क्या कुछ कहोगे इमली, ये सपना है, सच्चाई है, शादी हो रही है किसी और के साथ, क्या कुछ कहना है? जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मन में सबके। तो अभी अथर्व चीनी से शादी हो रही है, मैंने इन बिटवीन बोल दिया कि मैं फिर धैर्य से शादी करूँगी, तो उससे अथर्व को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और बहुत फ़र्क पड़ा है उसके लिए। धैर्य दुश्मन टाइप है, तो वो तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? तो मैं बोला आप भी तो कर रहे हो ना किसी और से शादी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है। दिल की बातें कहनी नहीं है, बस एक दूसरे को डांट मारना ज़रूरी है, वैसा हो रहा है। तो अभी अथर्व भी बहुत बार मुझसे सवाल किया है, और जब भी मैं पूछती हूँ कि आप सवाल कर क्यों रहे हो, आप चाहते क्या हो, क्या है मन में आपके, तो वो बोलता नहीं, हाँ नहीं मुझे मेरे मन में कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो जो करना है करो, बेसिकली उसे बोला नहीं जा रहा है। तो अभी वो अकेले जब अपने लुक में तैयार हो रहा है, वहाँ पे उसको याद आती है, मैंने बोला है कि मेरे जो पुराने वाला जो लहंगा था उसको मैंने फेंक दिया है, तो उसको उससे बार बार सोच सोच के उस गुस्सा आ रहा है। और फिर उसी लहंगे में जो पहली बार जब इमली आई थी घर में, जिस लहंगे में, उसी लहंगे में अथर्व उसको दिख जाता है, और फिर काफ़ी सारे इमोशनल बातचीत होती है। वहाँ अथर्व प्रॉपर इजहार करता है, इमली भी बोलती कि हाँ आप सिर्फ हमारे हो और किसी के नहीं हो सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अथर्व भी बोल रहा है तो यही रह जाओ, कहीं मत जाओ। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें, सारे दिल की बात वहाँ हुई, रोना धोना हुआ, हग हो गया, सब हो गया, एंड कटू इमली है ही नहीं और अथर्व अकेले खड़ा है। तो वही है कि मन की बात बोल देना ही अच्छा होता है, ना कि अपना ईगो रख के बैठो, तो ईगो के चक्कर में कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। सो वेल, फैंस के लिए तो ये काफ़ी रोमांटिक दिखेगा, बट उनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटेगा जब वो ये चीज़ देखेंगे, ये सपना। तो इसके अलावा और क्या कुछ अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं? अपकमिंग यही है कि अभी देखना है कि जो अभी ट्रैक है, कि जैसे कि देखो शादी है तो ड्रामा तो होगा ही, तो डेफिनेटली ये चीनी और अथर्व की शादी फाइनली हो पाएगी, या अथर्व बोल पाएगा इमली को, या जो भी, क्योंकि अगर अथर्व मेरे से प्यार करता है तो उसको चीनी से शादी करनी भी नहीं चाहिए, वो गलत है। तो ये सब सच गलत का सही फैसला हो पाएगा या नहीं, वही जानना है। और शादी किससे फाइनली, किसके किसके साथ होती है, या होती भी है, या टूटती है, क्या है, वो भी सब देखना है। क्योंकि धैर्य को भी दिख जाता है बार बार मेरे आँखों में अथर्व के लिए कंसर्न, अथर्व के लिए प्यार, तो उसका भी वो सब बहुत सारे उसके मन में भी सवाल है। तो बस किसकी किसकी किसके साथ शादी होती है, बट आई एम हैप्पी कि फैंस बहुत मैसेज करते हैं कि रोमांटिक सीन देखना है अथर्व और इमली का। तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्कोप और बहुत सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे हमारे बीच। लास्टली क्या कुछ मैसेज देना है फैंस एंड व्यूअर्स को, दोस्त हुआ वॉचिंग? बस यही बोलूँगी, आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही और ज़्यादा प्यार देते रहो, और हम लोग भी ऐसे और खूबसूरत सीन्स आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।